इंग्लैंड के बेंजामिन हार्ट एक कमाल के मैजिशियन है जो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट 2019 के फाइनलिस्ट में से एक थे। इस वीडियो में हम इनका ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया हुआ एक गजब का टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस मैजिक एक्ट में बेन सबसे पहले शो के जजेस के पास आते हैं। उनके पास एक ग्लास होता है जिसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं और हर कागज पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब बेन एक फैन अपनी जैकेट से निकालते हैं और कुछ इस तरह कागज के टुकड़ों को फैन पर गिराते हैं। इसमें से एक कागज फैन पर चिपक जाता है जिसे बेन शो के जज साइमन को देते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं। उस कागज पर लिखा था एग यानी अंडा। अब बेन साइमन से ये कागज का टुकड़ा लेते हैं और इसे अपने हाथ में पकड़े फैन पर कुछ इस तरह से उछालते हैं और देखते ही देखते कागज का ये टुकड़ा जिस पर एग लिखा हुआ था वो सच में एक अंडे में बदलने लग जाता है। बेन इस अंडे को फोड़कर भी दिखाते हैं और सच में ये एक असली अंडा होता है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं होता। अब बेन अपनी जैकेट से एक कागज का प्लेन निकालते हैं और उसे ऑडियंस की तरफ फेंकते हैं। ऑडियंस में जिस लेडी को ये प्लेन मिलता है बेन उनसे कहते हैं कि इस कागज पर इस ऑडिटोरियम का मैप है और सभी सीट्स के नंबर लिखे हुए हैं। अब बेन इस लेडी को एक मार्कर पेन देते हैं और उनसे बिना देखे इस कागज पर कहीं भी मार्क करने के लिए कहते हैं। कागज पर जहां मार्क किया जाता है वो सीट नंबर ये लेडी पढ़ती है। सीट नंबर इज L34। ये सीट इस लेडी की होती है और इन्हें ही जादूगर बेन अपने अगले एक्ट के लिए स्टेज पर लेके जाते हैं। स्टेज पर दो केज रखा होता है। जादूगर बेन ऑडियंस में से रैंडमली सिलेक्टेड इस लेडी को एक केज के अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब बेन कहते हैं कि इस कनेक्शन को कंप्लीट करते ही एक गजब का जादू होने वाला है। All I have to do is to complete the circuit. 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही बेन सॉकेट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर इस केज के पर्दे को हटाते हैं, यहाँ वो लेडी नहीं होती। और जब बेन इस दूसरे केज के पर्दे को हटाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो लेडी टेलीपोर्ट होकर इस केज में आ गई होती है। लेकिन कैसे एक कागज का छोटा सा टुकड़ा एक अंडे में बदल जाता है और कैसे ऑडियंस में से चुनी गई एक रैंडम लेडी को जादूगर एक केज से दूसरे केज में टेलीपोर्ट कर देता है। अब हम इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको बेन हार्ट का ये गजब का मैजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में बेन के हाथ में ये ग्लास था जिसमें बहुत सारे कागज के टुकड़े थे। जादूगर बेन इसे फैन पर गिराते हैं और फैन पर एक कागज का टुकड़ा चिपक जाता है। असल में ये कागज का टुकड़ा जो फैन पर है जिस पर एग लिखा हुआ है ये पहले से ही इस फैन पर चिपका हुआ था। जब बेन इसे अपनी जैकेट से निकालते हैं तो वो बस इसके एक साइड को ही सबको शो करते हैं और दूसरी साइड जिस पर पहले से ही ये कागज चिपका हुआ है उसे किसी को नहीं दिखाते। इस तरह बेन ये कागज जिस पर एग लिखा है साइमन को निकाल कर दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा सा कागज का टुकड़ा एक अंडे में कैसे बदल जाता है। असल में यहाँ जिस अंडे को आप देख रहे हैं ये सुपर लेटेक्स एग है जिसका जादूगर अक्सर अपने जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और अगर चाहें तो घर पर खुद भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक खाली एग शेल को विनेगर में 6 से 7 घंटे के लिए डालकर रखना है। ऐसा करने पर अंडे का ये खाली शेल सॉफ्ट हो जाएगा जिसे आप स्क्वीज कर सकते हैं। साइमन से कागज का टुकड़ा लेने के बाद मैजिशियन बड़ी चालाकी से उसे अपने हाथ में छिपा लेता है और उसकी जगह सुपर लेटेक्स एग जो अभी स्क्वीज्ड है और इनके इसी हाथ में मौजूद है उसे इस फैन के ऊपर रख कर कुछ इस तरह से उछालता है।
ऐसा करने से ये सुपर लेटेक्स एग धीरे धीरे फूलकर बड़ा हो जाता है और देखने में एक अंडे की तरह लगता है। इसके ठीक बाद एक कैमरा कट होता है और यहीं जादूगर इस नकली लेटेक्स एग को अपनी जैकेट में रखे असली एग से स्विच कर लेता है। और फिर इस असली एग को ग्लास में फोड़कर सबको यकीन दिला देता है कि उसने कागज के एक टुकड़े से एक रियल एग बना दिया है। लेकिन अब आप भी जानते हैं ये कैसे होता है। इसके बाद बेन अपनी जैकेट से एक कागज का प्लेन निकालते हैं और उसे ऑडियंस की तरफ फेंकते हैं। ये प्लेन उस ऑडिटोरियम का मैप होता है जिस पर सीट्स के नंबर लिखे होते हैं। जिस लेडी को ये प्लेन मिलता है, बेन उन्हें एक मार्कर पेन देकर उस पर निशान लगाने के लिए कहते हैं। असल में ये मार्कर पेन जो बेन इस लेडी को देते हैं उसमें इंक ही नहीं होता है। जब लेडी इस मार्कर से पेपर पर निशान लगाती है तो बस सबको ऐसा लगता है कि पेपर पर निशान लेडी ने लगाया है, जबकि असल में इस पेपर पर उस सीट नंबर पर पहले से ही मार्क किया होता है जिस सीट पर ऑलरेडी जादूगर बेन ने अपना कैंडिडेट बिठाया हुआ है। इसीलिए अगर आप यहाँ देखें तो बेन इस लेडी को पूरा पेपर कैमरे पर शो करने ही नहीं देते और लेडी के कुछ देखने से पहले ही उसे अपने हाथ में लेकर उस पोजीशन पर अपना अंगूठा रखकर उसे छिपा लेते हैं जहाँ पहले से मार्क किया गया है। इस तरह सबको लगता है कि बेन ने ऑडियंस में से किसी रैंडम पर्सन को सिलेक्ट किया है, जबकि अब आप जानते हैं ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। ये लेडी असल में दो जुड़वा बहन में से एक है। इन्हें ही अब बेन इस केज के अंदर जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों केज के नीचे यहाँ इतनी जगह होती है जिसमें एक फ्लेक्सिबल आदमी आराम से छिप सकता है। अब जैसे ही बेन सर्किट कंप्लीट करते हैं, केज में पर्दा गिरता है और इस केज में जो लेडी गई थी वो नीचे छिप जाती है। और उसी समय इस केज में जो उसकी जुड़वा बहन पहले से ही नीचे छिपी होती है वो खड़ी हो जाती है। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे जादू से ये लेडी टेलीपोर्ट होकर इस केज से इस केज में आ गई है। जबकि अगर आप इन दोनों के ड्रेस के प्रिंट्स को मैच करें तो आप डिफरेंस साफ नोटिस कर सकते हैं, जो ये प्रूफ करता है ये दोनों अलग अलग है। इस तरह जादूगर बेन अपने इस कमाल के टेलीपोर्टेशन ट्रिक से सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।